नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार क्लास स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2018 के नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ, तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि इसका नोटिफिकेशन जो है ये आया है या कब आएगा, इसकी भी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में बेल आइकन वाला बटन भी दबा दो, ताकि इससे आने वाला अगला नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाए। तो आपको क्या करना है कि मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे डालना है एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2018। जी हाँ, जैसे ही आपको ये आप इसमें फिलअप करोगे तो आपके सामने एक नया टैब खुल के आ जाएगा और आपके सामने इस तरीके का टैब नज़र आएगा कि उस पर आप किसी भी लिंक पे ओपन करोगे तो आपको यही दिखाएगा कि लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है, 4 दिन पहले की लेटेस्ट न्यूज़। अगर आप नीचे लेके आओगे तो फिर फैब की न्यूज़, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है 4 दिन पहले की, इस पर भी आपको वही दिखाएगा जो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि 57,000 वैकेंसी हैं या 91,000 वैकेंसी हैं, इन्होंने अभी कुछ कंफर्म नहीं कर रखा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको सारा कंफ्यूजन आपको दूर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एसएससी जीडी 2018 नोटिफिकेशन, ठीक है, कांस्टेबल। अब एडमिट कार्ड या फॉर्म या क्या, अब यहाँ पे देखो आप जब नीचे लेके आओगे ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एसएससी जीडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू रिलीज 23/12/2017 बट डिलेड ड्यू टू अननोन रिसोर्सेज। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो 23 दिसंबर 2017 में नोटिफिकेशन की डेट आई थी, बट यह है किसी अननोन रीज़न के कारण, ठीक है, ये क्या कर दिया गया है, इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, ठीक है। और ये बिल्कुल नोटिफिकेशन है इसके कैलेंडर का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके कैलेंडर में आपको क्या मिलेगा। अब मैं आपको क्या करना है कि एसएससी पे जाना है, इसकी वेबसाइट पे आपको सबसे ऊपर वाला लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने ये एसएससी की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। देखो ये इस तरीके की वेबसाइट आ गई है, ये एसएससी की वेबसाइट, मेन वेबसाइट है इसकी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप। आपको अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट कॉर्नर, ठीक है। अब आपको इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरीके का कुछ नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें कुछ अलग अलग लिंक मिलेंगे आपको, उस पर क्लिक करना है एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर पे, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने ये ओपन होगा, ठीक है, आप इस पर क्लिक करना। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक इस तरीके की एक पीडीएफ नज़र आएगी जिसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करके बताता हूँ, ये एसएससी कैलेंडर 2018 की न्यू अपडेट है, ठीक है। सॉरी, ये डाउनलोड नहीं हो पाई थी, मैं इसको दोबारा से डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अब ये हमारा क्या है, नोटिफिकेशन डाउनलोड होने वाला है ये। जी हाँ, ये कैलेंडर हमारा डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एनुअल कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो, ड्यूरिंग 2018-19 अप टू मार्च 2019। जी हाँ, ये मार्च 2019 तक का कैलेंडर जो है इन्होंने शो कर दिया है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये जो 8 नंबर पे है, यहाँ पे ये नज़र आ जाएगा, रिक्रूटमेंट फॉर कांस्टेबल जीडी इन सी ए पी एफ एग्ज़ाम 2017++, ठीक है। इसकी एग्ज़ाम की जो डेट है,
इन्होंने एग्ज़ाम की डेट जो है वो तो दे रखी है कि CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और 13/6/2018 में एग्ज़ाम होगा और ये चलेगा 7/7/2018 तक। लेकिन इन्होंने अभी तक ये एग्ज़ाम की डेट नहीं दी है कि ये जो फॉर्म है ठीक है कि ये कब निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉर्म निकलने की डेट है और ये लास्ट डेट है, यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखा। अब इसका मतलब यह है कि अभी तक इन्होंने ये शो नहीं किया है, यह कुछ अननोन रिसोर्सेज के कारण यह पेंडिंग में है। ये वैकेंसी आएंगी, आप तब तक स्टडी करते रहें। ठीक है, आप ये ना सोचो कि ये वैकेंसी आने की नहीं है, लेकिन ये वैकेंसी ज़रूर आएगी। ठीक है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पे SSC, ठीक है, SSC GD डाल के, SSC GD 2018 नोटिफिकेशन डाल के आप वहाँ पे लास्ट अपडेट नोटिफिकेशन लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ डाल सकते हो, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है, गूगल पे। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं इससे अगली नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।